ऐतिहासिक दंगल में। तो आप आज तीसरा मुकाबला जो आज का अबरार वर्सेस इमरान, अबरार बजरवा वर्सेस इमरान बसंतगढ़, दोनों पहलवान बहुत ही मजबूत, दोनों का बहुत ही ज्यादा आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए। बजरवा की सरजमीन पे सबका स्वागत करते हैं, बहुत ही जबरदस्त दंगल यहां पर हो रहा है। तीसरा मुकाबला है आज, पहला दिन जो है दंगल का, तो सभी मेहमान यहां पर जो आए हुए हैं किसी भी इलाके से हैं, सब हमारे लिए वीआईपी है, सब काम खैर मकदम करते हैं। मौसम खुशगवार, दंगल के लिए बहुत ही जबरदस्त मौसम, दोनों पहलवान बहुत ही जबरदस्त, और ऑडियंस से गुजारिश है कि दोनों की हौसला अफजाई कीजिए। अबरार बजरवा वर्सेस इमरान बसंतगढ़, आज के हमारे रेफरीज जो हैं वो सुभाष सर हैं, रिटायर्ड फिजिकल टीचर, और सलीम अहमद टाक। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है, रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम बोंजवा, दोनों पहलवान तैयार रहेंगे, बहुत ही जबरदस्त पहलवान है दोनों। रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम बोंजवा, अगला जो मुकाबला होने जा रहा है इन दो पहलवानों का। रेफरी हजरात से भी गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल समय का ख्याल रखें। तो इसी बीच जो है हमारे सरपंच सरदेंगल इरशाद लावे साहब का भी हम बहुत खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं इस दंगल में। अबरार भद्रवा वर्सेस इमरान बसंतगढ़, दोनों चोटी के पहलवान, बहुत ही जबरदस्त पहलवान। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के जो हमारे मीडिया कर्मी जो हैं वो हैं ताहिर नदीम खान साहब जो डीडी न्यूज से इसको कवर कर रहे हैं, राजा रहबर जमाल जो जी मीडिया से इसको कवर कर रहे हैं, साहिर हुसैन जो न्यूज 18 से कवर कर रहे हैं, कामरान खान जो केके ऑफिशियल से कवर कर रहे हैं, रफायत गनाई जो जेके अपडेट से कवर कर रहे हैं, और आप इसको नासिर के एशिया ऑफिशियल पेज पर भी लाइव देख सकते हैं। आज का तीसरा मुकाबला जो यहां पर चल रहा है वो है अबरार भद्रवा वर्सेस इमरान बसंतगढ़। समय का खास ख्याल रखें, 10 मिनट हमने मैक्सिमम टाइम रखा है क्योंकि बहुत से पहलवानों ने यहां पर कुश्ती करनी है और लोग भी दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। कुछ लोग यहां पर सुबह से ही मौजूद थे, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो दंगल के दीवाने होते हैं, जिसको देसी भाषा में छिंज कहा जाता है। तो अबरार भट्ट वर्सेस इमरान बसंतगढ़ मुकाबला, और अबरार भट्ट जो है गिराने की कोशिश में इमरान को, और देखते हैं कि क्या गिरा पाएंगे, क्या अपने होम टाउन में ये पहली जीत दर्ज करवाएंगे। नहीं, इमरान ने फिर से अपनी पोजीशन वापस ली है, और अबरार के लिए जो है खतरा मंडरा रहा है। दोनों चोटी के पहलवान हैं, दोनों की हौसला अफजाई कीजिए। अभी तक जो हमारे यहाँ पर मेहमान खसूती आए हुए उनका हम
दिल की उम्मीद गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, जिनमें से हमारे तारिक साहब भट्ट हैं, अब्दुल गफार बागवान साहब हैं, डीएफओ बद्रवा चंद्रशेखर साहब है, वरिंदर आदवान जी है जो सनातन धर्म के प्रेसिडेंट है, इसके अलावा ऋषि साहब है जो हमारे वाइस चेयरमैन है बद्रवा म्युनिसिपल कमेटी के, गुलाम अली शाह साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर किरण पंडित जी आए हुए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है सनातन धर्म के, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। तो ये मुकाबला जो अबरार ने जीत लिया है, अबरार बद्रवा के लोकल पहलवान, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। तो अगला मुकाबला जो है रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम बोंजवा, दोनों अखाड़े में आ जाए। हम यहाँ पर स्वागत करते हैं अठार के जो सरदंगल के सरपंच हैं ऋषा लावे साहब का, उनका हम खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहना चाहते हैं कि भद्रवा पुलिस ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, भद्रवा पुलिस रहमत अली किश्तवाड़ अब्दुल कयूम बोंजवा, तो ये आज का चौथा मुकाबला जो है रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम बोंजवा। बहुत ही फुर्तीले पहलवान हैं ये। इसके बाद जो फौरन जो है हमारे पहलवान मोहम्मद रफी वर्सेस सुरमा बद्रवा के, दोनों पहलवान तैयार रहेंगे। तो कुछ ही देर में हमारे 4RR के कर्नल साहब भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, SDPO बद्रवा वो भी तशरीफ ला रहे हैं। तो आज का ये चौथा मुकाबला जो चल रहा है वो रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम बोंजवा। सलीम साहब से गुजर है कि माइक को ऑफ करें, माइक ऑन है आपकी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये दंगल जो है आप नासिर के शो ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी लाइव देख सकते हैं। तो जितने भी पहलवान हैं सबसे गुजारिश है कि अपनी एंट्री यहां पर करवाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद ही जो है आपको दंगल करने दी जाएगी, जिसका नाम हमारे रजिस्टर पे नहीं होगा। खड़े खड़े किसी को मत रखो। हाँ, सबसे गुजारिश है कि सभी नीचे बैठे, चाहे पहलवान हैं या उनके साथी हैं, सभी जो हैं नीचे बैठे ताकि हमारी ऑडियंस को कोई परेशानी ना आए। चाहे पहलवान हो या उनके साथी हो, सभी नीचे बैठ जाएं। तो 2023 दंगल का ये पहला दिन आज बद्रवा के ऐतिहासिक अखाड़े से हम लाइव आपके सामने हैं। मौसम खुशगवार, कोई पर कहीं पर धूप नहीं है, बड़ा लुत्फ आ रहा होगा हमारी ऑडियंस को। तो सतार साहब जो है अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जोरदार तालियों से सतार साहब का स्वागत कीजिए, इनको भी हम जल्दी मैदान में उतारने वाले हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जो है अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा SSB के जवान भी यहाँ पर सुबह से ही हैं, खड़े खड़े अपनी ड्यूटीज को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो रेफरी हजरात से गुजारिश है कि समय का खास ख्याल रखें, 10 मिनट मैक्सिमम है किसी भी कुश्ती के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और अगर कोई मुकाबला बराबरी पे खत्म होता है तो उसको कोई भी रकम, इनाम की रकम नहीं दी जाएगी।
इस कुश्ती के फौरन बाद जो है मोहम्मद रफी वर्सेस सुरमा भद्रवा तैयार रहेंगे। यहाँ पर हमारे वसीम साहब आए हैं पीडब्ल्यूडी से, उनका भी खैर मकदम है। सजाद साहब आए हैं जल शक्ति से, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। अगर सत्तार साहब से कोई लड़ना चाहता है तो वो जल्द से जल्द अपना नाम लिखाएं, क्योंकि सत्तार साहब को भी जल्दी ग्राउंड में, जल्दी अखाड़े में उतारा जाएगा। मैदान में उतरना, अपने कपड़े खोलकर अखाड़े में आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जिगरा किसी किसी में होता है और वही यहाँ पर पहलवान आए हुए हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से आए हुए हैं। सबके लिए हमारी, हमारे दिल में इज्जत है, सब हमारे लिए बराबर है। तो पहलवानों से गुजारिश है कि सभी नीचे बैठे, क्योंकि यहां पर ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रही है। ऑडियंस अगर है तभी आपकी पहलवानी भी है। तो पहलवानों से गुजारिश है कि जो खड़े खड़े ज्यादा देर रहेगा उसको हम ग्राउंड का ग्राउंड से बाहर निकाल देंगे। तो सलीम साहब घनाई से गुजारिश है कि वो इधर केबल में आ जाएं। तो थापा पहलवान आ गए हैं, थापा पहलवान का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। थापा पहलवान जिसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड थी, नेपाल के रहने वाले हैं और हमने इसको स्पेशली भद्रवा की जो डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, थापा पहलवान भद्रवा में आना चाहिए और थापा पहलवान आपके सामने आ गए हैं। तो सलीम घनाई से भी गुजारिश करते हैं कि वो तार सामने रास्ता उधर से अंदर आ जाएं। तो थापा पहलवान का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए थापा पहलवान का। तो थापा पहलवान की काफी डिमांड थी यहां पर, तो थापा पहलवान आपके सामने हाजिर हैं। गुजारिश करते हैं थापा पहलवान से एक रोड हो जाए अखाड़े का, एक रोड। जब थापा पहलवान अखाड़े की तरफ आ गए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। नेपाल के रहने वाले इंटरनेशनल प्लेयर थापा आपके सामने। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, कौन कौन थापा पहलवान की कुश्ती देखना चाहता है हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन देखना चाहता है। तो बहुत जल्द थापा पहलवान की कुश्ती भी यहां पर कराई जाएगी। नासिर, तो रेफरी हजरात से गुजारिश की जाती है कि समय का ख्याल रखें। मुराद अली जो कि बहुत ही फेमस हैं भद्रवा अखाड़े के, मुराद अली से भी गुजारिश की जाती है वो जहां पर भी हैं अखाड़े की तरफ आ जाएं, लोग आपको देखना चाहते हैं। मुराद अली से गुजारिश है कि वो अखाड़े की तरफ आएं, लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सलीम साहब गनाई का भी हम खैर मकदम करते हैं, भद्रवा के इस स्टेडियम में, भद्रवा के इस अखाड़े में, इस दंगल में हम उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद जो दंगल होने जा रही है, मोहम्मद रफी वर्सेस सुमरा भद्रवा, दोनों पहलवान तैयार रहे अखाड़े के इर्द गिर्द अपना रोड लगाएं। Yeah.
तो ये कुश्ती जो हो रही है रहमत अली किश्तवाड़ वर्सेस अब्दुल कयूम भोंजवा, तो इनका समय खत्म हो रहा है, एक मिनट इनके पास है, एक मिनट के अंदर अंदर आप अपनी कुश्ती खत्म कीजिए क्योंकि बहुत सारे पहलवान यहाँ पर आए हुए हैं, सबको जो है लोग देखना चाहते हैं।